हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमास यूनिक डायरी में। दोस्तों, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। कई जगहों पर इसे अचला एकादशी भी कहते हैं। इसका व्रत रखने से मनुष्य के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। जीवन सुखमय बना रहता है। आइए देखते हैं कब है अपरा एकादशी। सन 2023 में 15 मई सोमवार के दिन एकादशी तिथि 2:46 से शुरू होगी सुबह में और अगले दिन 16 मई को 1:03 पर समाप्त होगी रात्रि में। शास्त्रों में उदया तिथि के अनुसार ही व्रत मान्य होता है, इसलिए एकादशी का व्रत 15 मई को मनाया जाएगा। 15 मई को विष्णु भगवान की पूजा का मुहूर्त सुबह 8:54 से 10:36 तक रहेगा। वहीं इस एकादशी का पारण 16 मई को सुबह 6:41 से 8:13 तक किया जाएगा। पारण का समय फिर से नोट कर लें, 16 मई सुबह 6:41 से 8:13 तक व्रत का पारण का मुहूर्त रहेगा। अपरा एकादशी या अचला एकादशी व्रत का महत्व। जो फल गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में स्वर दान करने से मिलने वाला फल अपरा एकादशी का व्रत करने के समान ही मिलता है। इस दिन श्रीहरि का पूजन और ब्राह्मणों को दान देने से कीर्ति और धन में वृद्धि होती है। ये व्रत रखने से सभी पाप धुल जाते हैं, साथ ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। भगवान की आराधना से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। अगर परेशानियों से जूझ रहे हैं, आर्थिक परेशानियों से, तो विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। एकादशी का व्रत रखने से शरीर रोग मुक्त रहता है। इसके साथ साथ इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलती है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा से व्यक्ति के दोषों का अंत होता है और सद्गुरु जन्म लेते हैं। इस दिन की गई पूजा मृत्यु के बाद आत्मा को पिशाच योनि में नहीं जाती है, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी की पूजा कैसे करें? पूजा विधि इस प्रकार है। सूर्यास्त से पूर्व उठकर स्नान करें, नए वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। भगवान विष्णु को स्नान कराएं और उन्हें नई पोशाक पहनाएं। भगवान विष्णु को चंदन लगाएं और पीले वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु को भोग लगाएं और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें। भगवान विष्णु के विष्णु अष्टोत्तरम और विष्णु सहस्रनाम स्त्रोतम का पाठ करें। इसके बाद आरती उतारें और प्रसाद वितरण करें। द्वादशी के दिन व्रत पारण करते हुए जरूरतमंदों को दान दें। अपरा एकादशी व्रत के क्या नियम हैं, साथ ही इस एकादशी व्रत के दिन क्या खाएं और क्या नहीं खाना चाहिए? तो दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। इसमें कुछ चीज़ों के सेवन को निषेध माना गया है। आइए जाने क्या खाएँ और क्या नहीं। इस दिन यथाशक्ति अन्न का दान करें, किंतु स्वयं किसी अन्य का दिया हुआ अन्न कदापि भी ग्रहण ना करें। किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव ना हो तो एक बार भोजन करें। इस दिन दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में शकरकंद, कट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि खाद्य पदार्थों को खाने में शामिल कर सकते हैं। इसका उपवास रखने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि का निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातून ना करें। इस दिन वृक्ष से पत्ते तोड़ना वर्जित होता है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ साफ कर लें। यदि संभव ना हो तो पानी से 12 कुल्ले कर लें। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी पर श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ते इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है।
एकादशी तिथि पर जौ, बैंगन और सेम फली नहीं खाना चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा या अन्य कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करें। प्रत्येक वस्तु को भगवान को भोग लगाकर और तुलसी दल छोड़कर उसमें तभी ग्रहण करना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है। इन कामों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन चावल का सेवन जो करता है उन्हें अगले जन्म में रेंगने वाले जीव का जन्म मिलता है। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। मान्यता है इस दिन क्रोध करने से भगवान विष्णु अप्रसन्न होते हैं और वाद विवाद बढ़ता है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, गलत सोच आदि से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन पीले वस्त्रों को धारण करना चाहिए और किसी का भी अपमान ना करें। खासकर महिलाओं का अपमान करने से भगवान विष्णु अप्रसन्न होते हैं। भूल कर भी इस दिन काले वस्त्रों को धारण ना करें। तो दोस्तों, ये थी अपरा एकादशी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। पूजा विधि, नियम, क्या खाएं क्या ना खाएं, पूजा का मुहूर्त और पारण का समय, सभी संपूर्ण जानकारी इसमें मिली है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।